ये दिल्ली के लिए काला दिन है, देश के लिए काला दिन है। तीन लेयर में है सारी प्रॉब्लम। चुनी हुई सरकार का वजह कोई गृह मंत्रालय में बैठा बाबू रोक दे रहा है। सरकार प्रॉफिट सेंटर नहीं है, वेलफेयर स्टेट। लोकतांत्रिक मूल्यों की जो गहरी और मजबूत जड़ें हैं उनको आज खोद डाला। तो हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कहां खड़े हैं? तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने के बराबर। उनसे मैं क्या कहूं कि केंद्र की सरकार तुमसे इतनी नफरत करती है कि तुम्हारे घर में चूल्हा जले ये उसे मंजूर नहीं, तुम्हारे पेट में रोटी पहुंचे उसे मंजूर नहीं है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली सरकार के और इनसे जुड़े हुए विभागों के कर्मचारियों की तनख्वाह रोकेंगे आप? ये तो तानाशाही है, ये तो गुंडागर्दी है। दिल्ली के आवाम ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज दिल्ली की विधानसभा ने जो देखा है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, अप्रत्याशित और अभूतपूर्व भी है। दिल्ली और देश का 75 साल का गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास हमदम भरते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारतवर्ष, वर्ल्ड्स मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारे यहाँ। और इस दम के भरने के पीछे की वजह ये कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक मूल्य की जड़ें हैं उन लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें बहुत गहरी, बहुत मजबूत हैं। लेकिन दिल्ली ने जो आज काला दिन देखा, एक चुनी हुई सरकार को, चुनी हुई सरकार के कैबिनेट को विधानसभा के पटल पर राज्य का बजट प्रस्तुत नहीं करने दिया गया समय पर, पहले कभी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि काला दिन है। लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही, जिम्मेदारी तय है। ये सौंदर्य है, खूबसूरती है लोकतंत्र की। क्या तय है? दिल्ली की शासन व्यवस्था है, स्कूल है, अस्पताल है, जन कल्याण करने वाले दुनिया भर के विभाग हैं, INFC है, PWD है, UD है, हजारों लाखों स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का ताना बाना है, जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं चुनी हुई सरकार से। और ये सब कुछ पूरा करने के लिए दिल्ली की सरकार बजट बनाती रही है और प्रस्तुत करती रही है और पास करती रही है और अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर करती रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार प्रॉफिट सेंटर नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केंद्र की सरकार ने क्या किया? लोकतांत्रिक मूल्यों की जो गहरी और मजबूत जड़ें हैं उनको आज खोद डाला। राजनिवास से खबरें प्लांट हो रही हैं, मीडिया में खबरें प्लांट हो रही हैं, बेसिर पैर की कमियों को सामने रख के और आज जो कुकृत किया है केंद्र सरकार ने उसको छुपाने का, ढकने का कुचित प्रयास किया जा रहा है। 10 दिन हो गए दिल्ली का बजट केंद्र की सरकार के पास पहुंचे, कान पे जू नहीं रहेंगे। उनको मालूम था 21 तारीख को अगर बजट प्रस्तुत होने से रोकना है तो 11वें घंटे में कुछ ऊल जलूल करना पड़ेगा, तभी होगा। और वही किया उन्होंने। बजट में MHA ने कुछ बेतुकी क्वेरीज डाल के न CM को भेजा, न FM को भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। भाई जो सबसे सगा होगा उनका उनको भेजेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि गृह मंत्रालय में बैठा हुआ कोई बाबू अगर दिल्ली की सरकार का बजट रोक सकता है, चाहे भले वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो, अगर ये संभव है करना, तो हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कहां खड़े हैं? हम चुनावी लोकतंत्र में ये मानते हैं कि चुनी हुई सरकार सर्वोच्च होती है, उस सरकार के कैबिनेट द्वारा पास किया गया बजट अगर कोई गृह मंत्रालय में बैठा बाबू रोक सकता है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने के बराबर। मेरे पास सवेरे से 3-4 फोन आए, दिलीप जी कल शाम से यह चल रहा है बजट पास नहीं हुआ, बजट पास नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ये कोई प्रोसेस वाइज कुछ चीजें होंगी, बजट तो
आ ही जाएगा ना, सैलरी वाली तो मिलेगी हम लोगों को, मैं क्या जवाब दूं? दिल्ली के अंदर सरकार के दुनिया भर के विभागों के मातहत हजारों लाखों कर्मचारी जो काम करते हैं, उनसे मैं क्या कहूं? उनसे मैं क्या कहूं कि केंद्र की सरकार तुमसे इतनी नफरत करती है कि तुम्हारे घर में चूल्हा जले ये उसे मंजूर नहीं, तुम्हारे पेट में रोटी पहुंचे उसे मंजूर नहीं है, ये कह दूं मैं उसको? एक अदना सा फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी चपरासी जो 100% अपनी इस मासिक सैलरी पर निर्भर है, किसी के घर में कोई बच्चा बीमार है, कहीं कोई बुजुर्ग बीमार है, किसी की महीने की फीस जानी है, किसी को लाला के राशन के पैसे चुकाने हैं, ये सब लोगों ने मोदी जी केंद्र की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, राजनीतिक भिन्नताएं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, हालांकि आपने उनको भी पर्सनल लेवल पे एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया है, सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं, ठीक है डाल दीजिए आप, आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक को, मंत्री को, सबको जेल में डाल दीजिए, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? राजनीतिक पराजय का बदला आप ऐसे लेंगे कि बजट पास न होने देकर दिल्ली को ठप कर देंगे, दिल्ली सरकार के और इनसे जुड़े हुए विभागों के कर्मचारियों की तनख्वाह रोकेंगे आप, दिल्ली की जनता के हित के जो काम हो रहे हैं उनको रोकेंगे आप, और सोर्सेस के जरिए खबरें प्लांट करा के वीक डिफेंस देंगे कि भाई ये कम था ये ज्यादा था, ये क्या तरीका है? ये तो डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं है, ये तो तानाशाही है, ये तो गुंडागर्दी है। 3 दिन तक चीफ सेक्रेटरी महोदय कुंडली मार के बैठे हुए थे एमएचए की क्वेरी पे, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों साथ में बजट पे जो क्वेरी है उसमें बैठे हुए हैं, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ऊपर नहीं गया हुआ है, उनको मालूम है कि हमारे ही पास है ये क्वेरी, और ये अगर एक साजिश है तो इस साजिश के डायरेक्टर केंद्र की सरकार है, नहीं होती तो तुरंत कार्रवाई की जाती उनके ऊपर कि 21 तारीख का तयशुदा समय है बजट पेश करने का, 3 दिन तक कुंडली मार के हमारी क्वेरी बैठे हुए हो, जवाब दो, नहीं दोगे तो सम हेड मस्ट रोल, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। आज विधानसभा के पटल पर भी यह बात उठी जब वित्त मंत्री माननीय कैलाश गहलोत जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये जो किया है सीएस ने और एफएस ने ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये तो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये तो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पीपल ऑफ दिल्ली है, ये तो साजिश दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के खिलाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? बजट बनाना, कैबिनेट में पास करना, उसके बाद विधानसभा में टेबल करना, वहां पास करना, ये पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के एक उत्सव के रूप में देखी जाती रही है। आप सब लोग पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं, रिचुअल्स होते हैं, लंच या डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि खुशी का माहौल होता है कि पिछली बार जो काम नहीं हो पाए होंगे संभवतः इस बार के बजट में वो काम हो जाए, ये उम्मीदों को फीड करता है ये सेलिब्रेशन, दिल्ली की जनता के उम्मीदों को, उनके होप को नई ऊंचाई देता है, नया उड़ान देता है बजट। आपने क्या किया? दिल्ली की जनता के उम्मीदों के पंख कतर दिया आपने, उनकी ख्वाहिशों का गला घोंट दिया आपने, आपने एक चुनी हुई सरकार से बदला लेते लेते आप अहंकार में इतना डूब गए, इतना घमंड में डूब गए कि 75 साल की लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करके आप दिल्ली की जनता से बदला लेने लगे। मैं हाथ जोड़ के जानना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, हमसे दुश्मनी हमें टांग दीजिए आप, लेकिन दिल्ली की जनता से क्या नाराजगी है? दिल्ली के आवाम ने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर एमसीडी के चुनाव में जो हार मिली उसका बदला ले रहे हैं आप, दिल्ली के चुनाव में जो हार मिली उसका बदला ले रहे हैं आप, तो आम आदमी पार्टी से लीजिए। राजनीति
सियासत कभी भी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर चढ़ के नहीं बैठनी चाहिए, लेकिन यहां यही हो रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अहंकार का आकार इतना बढ़ गया, ईगो की भट्टी इतनी बड़ी हो गई कि उसमें जनता के हितों को भी झोंक दिया जा रहा है। आप समझिए, तीन लेयर में है सारी प्रॉब्लम। चुनी हुई सरकार का वजह कोई गृह मंत्रालय में बैठा बाबू रोक दे रहा है, उस बाबू के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और यह सब होने में भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी साफ दिख रही है। लेकिन सफर कौन कर रहा है? सफर दो लोग कर रहे हैं, एक इस देश का लोकतंत्र सफर कर रहा है और दूसरा इस लोकतंत्र का अहम हिस्सा दिल्ली की 2 करोड़ जनता। ये दो सफरस हैं और इस तरह का ट्रेंड निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जहां चुनी हुई सरकार को कोई बाबू भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जनता के हितों के ऊपर बैठते हुए चुनी हुई सरकार को बाईपास कर देता है। यह दिल्ली के लिए काला दिन है, देश के लिए काला दिन है। और ऐसे में तो हम यही कह सकते हैं जो बापू ने कहा था कि सबको सन्मति दे भगवान।